साहब कड़कती ठंड चल रही है और आपके सामने गर्मा गर्म लजीज सूप रख दिया जाए और उसका टेस्ट जब आपके जुबान पे लगे तो नेक्स्ट लेवल, मतलब वो आप वर्डों में ना बता पाए उस हिसाब का आपको टेस्ट मिले और उस सूप को आप एक ही सांस में गटक जाए। लेकिन ट्रेजेडी या फिर मिस्ट्री कहो, ऐसी हो जाए कि अगले ही क्षण आपकी मृत्यु हो जाए। भाई नेटफ्लिक्स ये किलर सूप लेके आ रहा है जो मनोज वाजपेयी के साथ बहुत प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि ये जानदार लजीज सूप भाई साहब मौत का कारण बन जाएगा। इस पे एक मूवी बनाई जा रही है जिसमें भर के मिस्ट्री, थ्रिल एंड सस्पेंस पेल के मिलने वाला है। तो भाई मनोज वाजपेयी विथ नेटफ्लिक्स, उससे पहले हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। क्या करना है, वीडियो पे एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ट्रेलर आ चुका है द किलर सूप का और उसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि ट्रेलर से बहुत कुछ प्रॉमिस मिल रहे हैं, प्रॉमिसेस मिल रहे हैं कि भाई मूवी जो है बहुत जानदार, शानदार और लजीज होने वाली है। शुरुआत करते हैं भाई साहब मनोज वाजपेयी विथ नेटफ्लिक्स। ट्रस्ट लेवल 1000%, क्योंकि मनोज वाजपेयी कोई भी ऑर्डिनरी कंटेंट कभी भी नहीं लाते हैं, और ऐसे जब ये रॉ कंटेंट या फिर रॉ मटेरियल वाले कंटेंट उठा के लाते हैं जनता के सामने, तो भाई साहब हम सब जानते हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वसीपुर आ रखी है, द फैमिली मैन आ रखी है, वैसे ही द किलर सूप होते नजर आ रही है, क्योंकि भाई साहब ये वो छाप छोड़ रहे हैं जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। मनोज वाजपेयी प्लेइंग डिफिकल्ट रोल, सीरियस गॉडडैम फकिंग रोल, ट्रस्ट लेवल 2000% की भाई कंटेंट सॉलिड ही सॉलिड होने वाला है। मनोज वाजपेयी लुक्स इन मल्टीपल रोल्स, भाई साहब मल्टीपल रोल में मनोज वाजपेयी देखने को मिल रहे हैं। ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा 3000%, क्योंकि भाई साहब मनोज वाजपेयी कभी भी ऑर्डिनरी कंटेंट नहीं लाते, मैं फिर कह रहा हूँ। और कहानी किलर सूप पे है, एक ऐसी टॉक्सिक लव स्टोरी भी होने वाली है, इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, सिर्फ एक चीज नहीं भाई, वही मैं कह रहा हूँ, ट्रेलर बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर अभी देखेंगे। कहानी फुल मिस्टीरियस एंड फार लेवल का सस्पेंस मिलने वाला है इसमें। ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिक रेज 4000%, जिसमें बाय गॉड ये ट्रेलर प्रॉमिस कर रहा है कि भाई पूरा सर चकरा जाएगा, क्योंकि भाई ट्रेलर में ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब मिनटों सेकंडों में फेस चेंज हो रहे हैं मनोज वाजपेयी का, कभी ये वाला लुक आ रहा है, कभी दूसरा लुक आ रहा है, कभी तीसरा लुक आ रहा है, भाई मल्टीपल रोल्स हैं। देन उसके बाद मर्डर होगा, देन मिस्ट्री होगी, किसने किया है, इसके पीछे की कहानी भाई ये चीज़ अलग चलने वाली है। मतलब एक बार मैं कहूँ तो भाई ट्रेलर ही इतना ज़्यादा घुमावदार है, तो सोचो कि मूवी कितनी ज़्यादा घुमावदार होने वाली है। एक्साइटमेंट लेवल 1000 से 10000% बढ़ चुका है भाई साहब इस ट्रेलर को देख के। देन एक तरफ टॉक्सिक लव स्टोरी होगी, वो भी देखने को मिलेगा जबरदस्त, दूसरी तरफ किलर कौन है भाई, ये चीज अलग लेवल पर सॉल्व होने वाली है। देन उसके बाद तीसरी तरफ थ्रिल एंड सस्पेंस इस लेवल का मिलेगा कि आपकी फट जाएगी। क्या फट जाएगी वो आपको मालूम है, क्योंकि जनवरी ने वैसे ही फाड़ रखी है भाई, कड़ाके की ठंड चल रही है, और कड़ाके की ठंड में ऐसे गर्मा गर्म सूप के साथ, यानी ऐसे गर्मा गर्म लजीज कॉन्टेंट मिलेंगे तो मजा ही आ जाएगा, और वो भी नेटफ्लिक्स पर, OTT प्लेटफॉर्म पर जो इजिली अवेलेबल है। वैसे रजाई में घुस के ऐसे सस्पेंशियस हमें कॉन्टेंट मिलेंगे तो क्या ही कहना उस चीज का। फोर्थ, कहानी की प्लॉटिंग बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि भाई ट्रेलर से ही पता लग रहा है, स्प्लिट एंड स्प्लिट में कहानी चेंज हो रही है, कभी मर्डर मिस्ट्री, कभी लव स्टोरी, कभी वो सूप के पीछे लव एंगल्स, देन उसके बाद अलग लेवल की कहानी। तो भाई 2024 की जनवरी जान तो लेकर मानेगी, क्योंकि भाई ठंड अलग चल रही है, दूसरा भाई मूवी में इतना ज्यादा सस्पेंस मिलेगा कि एक बार के लिए मनोज वाजपेयी पर भी शक जाएगा। दूसरा जो कोंकणा सेन शर्मा सेकंड लीड मेन लीड रोल पे देखने को मिल रही हैं, उन पे तो शक जा ही जा रहा है, उन पे तो कहानी फोकस कर ही कर रही है, लेकिन भाई तीसरा एंगल अगर इसका निकल जाएगा कि भाई इसके पीछे कोई और भी है, क्योंकि कोंकणा सेन शर्मा और मनोज वाजपेयी की हमें लव स्टोरी भी देखने को मिल रही है, तो हु नोज, इनको ढाल बना के कोई पीछे से तीसरा बंदा वॉर कर रहा हो, भाई ऐसे कंटेंट देखने में मजा आता है, क्योंकि यहाँ सस्पेंस ना एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, और जब ये सस्पेंस के मामले में खतरनाक निकल गई, लाइक कि हमें नेक्स्ट मोमेंट क्या है, अगर ये डिकोड ना हो पाया हमसे, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हम देख के आ चुके हैं, लाइक हम कुछ ही टाइम पहले करीना कपूर खान की जाने जान मूवी भी देख कर आ चुके हैं, जिसमें भाई सस्पेंस लेवल जो हद तक है उसमें एक बार के लिए डिकोड नहीं हो पाया था कि भाई नेक्स्ट मोमेंट अब क्या होने वाला है, तो वही चीज़ अगर इसमें भी देखने को मिलेगी तो मज़ा आ जाएगा भाई, क्योंकि मनोज वाजपेयी से ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, और भाई इनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा रहती हैं कि भाई ये कभी भी ऐसी फालतू या बकवास चीज़ें तो नहीं लाएंगे। दूसरा, जनवरी में भाई बहुत सी मूवीज एंड वेब सीरीज आ रही हैं, तो भाई उसका अलग लेवल का क्रेज है, अलग लेवल का एक्साइटमेंट है उसके लिए। मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी 11 जनवरी को, तो भाई
कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आज 7 तारीख है, 4 दिन बाद ये मूवी मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल है। बस तैयार रहिए अपने पॉपकॉर्न से एंड गर्म बिस्तर को लेके, क्योंकि भाई मूवी आपको घर पे आने वाली है डिलीवर होने के लिए। कितना एक्साइटमेंट है, आप ट्रेलर देख लीजिए एक बार, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।